नमस्कार दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पी जी आई पैरामेडिकल 2021 सेशन के बारे में तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों वो रिलीज़ हो चुके हैं इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो कब से स्टार्ट है लास्ट डेट कब है इसका सीट मैट्रिक्स क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और साथ ही एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगी तो दोस्तों डिटेल्स में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा और इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे भी दिए गए हैं जो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं आपके अगर ट्वेल्थ में आपके पी सी या पी नहीं है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानने मिले को मिलेगा आप वीडियो को शुरू से तक जरूर देखिए और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों तो पीजीआई एम पैरामेडिकल या नर्सिंग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने स्टडी मटेरियल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे रखे हैं चाहे वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो आपकी जीके का पोर्शन हो तो उनके सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए आपके एन सी आर की मैंने बुक आपको प्रोवाइड करवा रखी है अगर आप उनको फॉलो करते हैं दोस्तों तो आपका 100 परसेंट सिलेक्शन वो सुनिश्चित हो जाता है साथ ही आपको अदर स्टडी मटेरियल की अगर रिक्वायरमेंट था मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कौन सा स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस वो आपको प्रोवाइड करवा सकूँ तो दोस्तों ये पी या पैरामेडिकल के जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए हैं तो इसके ऑफिशियली जो प्रोस्पेक्ट जारी किया गया उस पर चलते हैं डिटेल्स में मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताता हूँ तो दोस्तों ये बी एस पैरामेडिकल एंड बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स सेशन आपका 2021 के लिए ये जारी कर दिया गया सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कब कब की है तो इसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है पैरामेडिकल के लिए उसकी स्टार्टिंग डेट है वो एक जून दो से स्टार्ट है मतलब कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो दो सात दो है तो जुलाई 2021 है 2 जुलाई 2021 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म उसको फिल कर सकते हैं और जो आपकी एडिट विंडो, अगर ये मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन वो फिल किया उसमें कुछ भी किसी भी तरीके की कोई आपकी गलती होगी तो आप सात सात दो हज़ार इक्कीस सात जुलाई तक है वो उसको एडिट कर सकते हैं दोस्तों और आपका जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वो भी इसमें आपको बता दिया गया है कि आपका दस आठ दो हज़ार इक्कीस को आपका एग्ज़ाम होगा अगस्त में दस अगस्त को आपका एग्जाम है और जो आपका रिज़ल्ट है वो भी आपका जल्द ही जारी कर दिया जाएगा क्योंकि दोस्तों सेशन पहले ही लेट हो चुका है तो बी एम एर के द्वारा जो भी आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है उसको जल्द से जल्द कम्प्लीट करके आपका सेशन उसको स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी तो आप इस चक्कर में ना रहे कि बहुत सारा आपको समय मिलेगा स्टडी करने के लिए और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो दोस्तों बहुत ही कम टाइम मिलेगा तो आप कम टाइम में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और उसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों एन को फॉलो करना है एलवेंथ और ट्वेल्थ बेस की जो कंप्लीट एस एन सी है फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी उनको तो फॉलो करना ही है क्योंकि मैंने आपको एन के लिंक दे रखे हैं उसमें आपको चैप्टर वाइज एक चैप्टर से कितने एम बन सकते हैं विथ सोल्यूशन वो आपको दे रखा है तो अगर आप सोल्यूशन के साथ में अगर एन को फॉलो करते हैं तो उसमें से आपका सिलेबस भी कवर हो जाता है कम समय में और आप अपने आप का आकलन भी कर सकते हैं आपको मॉक टेस्ट से टेस्ट सीरीज भी कहीं भी देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती तो उसके बेसिस पे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके अपना सिलेक्शन उसको सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों रिजल्ट आपका सत्रह अगस्त को आ जाएगा सात दिन के अंदर ही और जो आपका टेन प्लस टू पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ई के द्वारा आपको सेंड करना होगा जो उन्नीस अगस्त दो का है और आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है फिजिकली आपको प्रेजेंट होना होगा उसकी है आपकी 24 अगस्त 2021 तो आप देख लीजिए कि आपका सात तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा सात से और चौबीस तक आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो भी आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी तो बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस उसको कंप्लीट करवाया जाएगा तो दोस्तों ये तो बात गई आपके जो डेट इंपॉर्टेंट डेट है इसका आप स्क्रीन ले लीजिए इसको आपको ध्यान रखना है और आपको देरी नहीं करनी है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में जितना जल्दी उसके उतना जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके अपनी स्टडी पे फोकस करना है और दोस्तों अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की तो फीस जनरल ओ और जो आपकी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है तो उनके लिए पंद्रह सौ रुपये है प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस आपका जो सर्विस चार्ज लगता है वो आपका लगेगा तो पंद्रह सौ रुपये वो है एस सी एस टी के लिए बारह सौ रुपये है वो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं और जो फिज़िकल हैंडीकेप आप बैठती हैं तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो फिजिकल ऑल कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू डिपॉजिट द अबोव फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेट वे अवेलेबल एट वेरियस पैरामेडिकल एंड बी पी एप्लीकेशन पोर्टल तो आप एक छः दो हज़ार इक्कीस से दो सात दो हज़ार इक्कीस के बीच में ये फीस है उसको पे कर सकते हैं दोस्तों आपका मोड ऑफ पेमेंट रहेगा आप ऑनलाइन पे कर सकते थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग या यू से भी आप इसको पे कर सकते हैं तो ये आपका पेमेंट मोड हो गया अब दोस्तों इसके सीट मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि इसकी सीट मैट्रिक्स कितनी है सबसे पहले आप कोर्सेज के बारे में आप जान लीजिए कि कोर्सेज की जो एज लिमिट है वो क्राइटेरिया क्या रहेगा तो इसमें आपके जो बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है चार साल का कोर्स है इसमें आपके पच्चीस साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए बी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है चार साल का कोर्स है इसमें भी सेम एज क्राइटेरिया दे रखा है और जो 25 साल से ज़्यादा के यहाँ अभ्यर्थी तो उनके लिए बी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है जो तीन साल और छः महीने का है इसमें आपको 30 साल से ज़्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए सेम बी मेडिकल टेक्नोलॉजी है जो ऑपरेशन थिएटर है तो इसमें ये चार साल का कोर्स है इसमें तीस साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए मिनिमम सत्रह साल है और मैग्जिम तीस साल है और नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजी है परफ्यूजनिस्ट की है तो इसमें पच्चीस साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए आप एज क्राइटेरिया दे सकते हैं यहाँ पे पच्चीस साल पच्चीस साल दे रखी है लेकिन यहाँ पे जो बी मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन है ये तीन साल का कोर्स है इसमें भी आपकी तीस साल से सत्रह साल मिनिमम है और तीस साल आपकी मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया नेक्स्ट अगर दोस्तों इसमें बात करें आपके सीट मैट्रिक्स के बारे में कि सीट मैट्रिक्स कितनी है कौन कौन से कोर्सेज के लिए तो सीट मैट्रिक्स की अगर बात करें दोस्तों तो सीट मैट्रिक्स दोस्तों इसमें टोटल सीट है वो 111 सीट है आपके टोटल जो कोर्सेज़ है पैरामेडिकल के लिए तो इन 111 सीटों को अलग अलग कोर्सेज में डिवाइड किया गया है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है तो ये चार साल का है इसमें टोटल 18 सीट है बाकी की इन 18 सीटों को यहाँ पे डिवाइड किया गया है और ये केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पी कर रखा है या पी से हैं तो वो कर सकते हैं पी और बी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ये भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए है और ये चार साल का कोर्स है इसमें टोटल बारह सीट है बी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है साढ़े तीन साल का है आठ सीट इसमें है और बी ऑपरेशन थिएटर है टेक्नोलॉजी है तो इसमें ये चार साल का है इसमें केवल मात्र दो सीट है दोस्तों अब बी मेडिकल टेक्नोलॉजी परफ्यूजन इस्ट है ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट विदाउट स्टाइफन इसमें स्टाइफन नहीं मिलेगा आपको तीन सीट है और बैचलर ऑफ साइंस इम एंड मोर्चरी साइंस तो ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट के लिए तीन साल का है छः सीट इसमें है नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज तो ये आपका चार साल का रहेगा आठ सीट है और इसमें नेक्स्ट अगर बात करें बी एस मेडिकल टेक्नोलॉजी डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी विदाउट स्टाइपन इसमें स्टाइपन नहीं मिलेगा चार साल का कोर्स है चार सीटें मात्र बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री उप जो अधिकतर अभ्यर्थी इसी के लिए अप्लाई करते हैं चार साल का कोर्स है दस सीटें इसमें डिवाइडेशन आप देख सकते हैं इसमें आपके कौन सी कैटेगरी लिए कितना है अब नेक्स्ट है बैचलर ऑफ फिजिकल थेरेपी जिसे बी फिजिकल टी बोलते हैं ओनली मेडिकल स्टूडेंट के साढ़े साल का है और ये पंद्रह सीटें इसमें दी गई है नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ ये है ये टेन प्लस टू तो आपने पास किया हुआ होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से ये चार साल का कोर्स है और इसमें आपके टोटल पंद्रह सीट है दोस्तों बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन है तो टेन प्लस टू या इसके इक्वेलेंट होना चाहिए आपके इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा तो ये किसी भी स्ट्रीम से हो तो इसमें आपके दस सीट है तो ये इस इस तरीके से मिला के आपकी टोटल हो गई एक सीट इसमें आपके पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है और इनका डिवाइडेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे फिफ्टी एट ट्वेंटी हेट तो इस तरीके से इनका डिवाइडेशन भी किया गया है और बेंचमार्क के लिए भी दोस्तों इसमें आपका दे रखा है कि बेंचमार्क के लिए कितनी है तो ये प्रोस्पेक्ट जारी कर दिया गया दोस्तों रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कि ओ जनरल एस सी के लिए किस तरीके से दिया गया बाकी का दोस्तों मैं डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो छूटे ना और डिटेल में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है जैसे कि नर्सिंग का प्रोस्पेक्ट जारी किया गया था तो उसके तुरंत बाद मैंने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है तो उसके बेसिस पे आप अपना फॉर्म है वो भी फिल कर सकते हैं सेम ही प्रोसेस है दोनों में पैरामेडिकल के लिए नर्सिंग के लिए तो पी जी आई की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आप नर्सिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस है उसको फॉलो करके अपना पैरामेडिकल का भी स्टेप बाय स्टेप आप अपने बेसिस पे उसको फिल कर सकते हैं तो दोस्तों ये आपकी प्रोसेस थी और दोस्तों आपको डिटेल्स में जानने के लिए आप ये प्रोस्पेक्ट में भी देख सकते हैं मैंने आपको ब्रीफली इसमें समझा दिया कि क्या क्या इसकी सीट मैट्रिक्स है एप्लीकेशन फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों किस कोर्स के लिए कितना रहेगा आप डिटेल्स में आप